हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल के दिन एक्सपायरी होने वाली है, तो कल के दिन आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि आपको काफ़ी सस्ते चीज़ों की चीज़ें मिल जाती हैं और आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और सारी चीज़ों को समझना जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है, हमने इस लेवल का डिस्कशन किया था जो कि 16,500 का, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज भी रहा है और कल भी रहने वाला है। क्योंकि पहले मैंने जब आपको बताया था कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में बताया था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी मैंने ये बताई थी कि ये लेवल आपकी रेस्पेक्ट करता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, और मार्केट ने इसकी एज ए सपोर्ट भी रेस्पेक्ट किया और ब्रेक डाउन देने के बाद एज ए रेजिस्टेंस भी ये रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो दो चीज़ें हैं। पहली, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन दे दिया था और हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मार्केट में देखने को मिली, लेकिन फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया 16,450 के और अचानक से एक पॉजिटिव मोमेंटम आया मार्केट। जैसे कि आप लास्ट टाइम में आपने देखा था, हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी निफ्टी 50 में, और मैंने आपको बताया था कि शार्प सेलिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अचानक से आपको गिरावट देखने को मिलेगी और आप ये सोचने लगे कि मार्केट में गिरावट आएगी और आप सेलिंग पोजिशन बना के बैठ जाए, क्योंकि मार्केट आपको धोखा भी दे सकता है। सेम वही सिचुएशन आपको आखिर में तेजी यहाँ पे देखने को मिली है कि अचानक से आपको तेजी देखने को मिली, पर इसका मतलब ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि कल को मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा या फिर पॉजिटिव मोमेंटम देगा। क्योंकि जो क्लोजिंग देखो मार्केट की, जो हमें यहाँ पे दूसरी चीज़ पता लग रही है, दूसरी चीज़ हमें क्या पता लग रही है कि मार्केट जहाँ पे पहले सपोर्ट ले रहा था, ध्यान देना, अभी भी क्लोजिंग में भी उसी जोन पे सपोर्ट लिया है मार्केट। यानी ये पहले तो इस जोन का ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट ने 16,450 पे सपोर्ट लिया और फिर अचानक से तेजी देते हुए इसी लेवल का जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था इसका ब्रेकआउट दिया और फिर से सपोर्ट ले लिया सेम ही। समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि 16,500 अभी भी हमारे लिए एक सपोर्ट जोन ही बना हुआ है जहाँ पे आपको कल को फिर से बारीकी से नजर रखनी। पहली तो ये चीज समझ, दूसरी यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, ईमानदारी से बताना है, यहाँ पे आप में एक पैटर्न नजर आया आज हमारा। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं और ये ट्रेंड लाइन से मिलके बने पैटर्न बताए गए हैं और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया। अगर आपने इन पैटर्न्स को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए और डिटेल में समझिए। ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला, ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट 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 लेता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। साथ के साथ ध्यान भी दो, ये नैरो होता जा रहा है और मैंने आपको बताया हुआ है जितना भी नैरो होता जाएगा या तो ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे या फिर ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, तब कुछ ना कुछ मिलेगा और जो भी मिलेगा हम उसे तुरंत ग्रैब कर लेंगे, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ पे मिला हमें ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मिला और हमें मिली सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब चीजों को ऐड कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा, मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर लेता हूँ, ये पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नैरो होता जा रहा है, ब्रेकडाउन मिल गया। तो ब्रेकडाउन मिल गया इसका मतलब सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप यहाँ पे सेलिंग पोजिशन बनाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हमें नजर आ रहा है 16,500 पे, हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नजर आ रहा है। मान लो ये लेवल यहाँ पे, ये हो गया हमारा 16,500 का लेवल, मार्केट नीचे आता जा रहा है। अगर आपने सेलिंग पोजीशन बना ली है मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, प्रॉफिट इस जोन के पास में बुक कर लेना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो पॉसिबिलिटी है फिर से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो या तो यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिला तो आप फिर से एंट्री कर सकते हो,
यहाँ पे ये मिल रहा है। यही चीजें तो मैं आपको समझाता हूँ, यही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमें नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने पड़ते हैं और मार्केट उनकी किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ से दो केस बनते हैं। पहला, या तो मार्केट यहाँ से गिरता ही चला जाएगा। दूसरा केस क्या बनता है, चलो पहले अगर गिरने की बात करें, अगर गिरता चला गया तो हमें यहाँ पे एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिली जब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था। दूसरा केस बनता है, मार्केट इसे रीटेस्ट करने आता है और हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यहाँ पे कौन सा केस है, ये दूसरे वाला केस है। मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन जरूर दिया है, लेकिन वापिस आया, इस लेवल को रीटेस्ट किया, फिर से गिरावट दिखाई। यानी कि हमारा सपोर्ट जोन था, मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन दिया और इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर से गिरावट दिखाई। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने आया, अगर रीटेस्ट करने आया हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिल गई एंट्री बना ली। फिलहाल हमने आज बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली और आपको मज़ा भी आया होगा। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, हम इसे मिस नहीं कर सकते, सारी चीज़ें समझेंगे। फिलहाल आपको करना क्या है, ईमानदारी से कमेंट करना है किस किसने इस पैटर्न को देखा और प्रॉफिट बनाया। जिस किसी ने भी देखा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर प्रॉफिट भी नहीं बनाया पर लेकिन उसने पहचान लिया कि मार्केट में ये पैटर्न नज़र आ रहा है, वो भी कमेंट करेगा। इससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि आप चीज़ें जो हम आपको समझा रहे हैं वो देख पा रहे हो कि नहीं। आगे बढ़ते दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं। रोज आपको इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, आगे तभी बढ़ेंगे, पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो फिलहाल हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दी, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,650 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल गया। यहाँ पे आप देखेंगे इसी रेजिस्टेंस को हमने क्यों चुना, इसके पीछे आप देखेंगे आज 1 जून को ही मार्केट ने यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया। इसी पे मार्केट बार बार ब्रेकआउट देने के लिए आया लेकिन दे नहीं पाया। वहीं आप 31 मई को देखेंगे, मार्केट पहले भी इसी जोन में काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है, आपको दिखा रखा है, इवन रेजिस्टेंस की तरह करके भी गिरावट दिखा चुका। यानी कि यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। और जो नए आए हैं उन्हें कन्फ्यूज़ नहीं होना, मान लो ये सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिला रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर से ब्रेकआउट मिला फिर से सपोर्ट बन जाएगा, ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि सेम ही लेवल हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। वहीं आप 30 मई को देखेंगे, 30 मई को भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट जोन मार्केट ने दिखा रखा है और सपोर्ट का मिल रहा है हमें ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आता है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,700 का है, जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे 30 मई और 31 मई को आपको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिले थे, मार्केट ने इसकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट की थी। इवन अगर आपने कल वाला मेरा वीडियो देखा होगा, कल मैंने आपको एक रेंज भी बताई थी कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज को फॉलो कर रहा है, ये बताया गया था आपको। ऊपर ये हमारा मतलब 200 पॉइंट पे एक बड़ा रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा था, तो एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था, पैरेलल वाला पैटर्न, जहाँ पे नीचे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था, ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। ये भी आपको समझाया गया था अच्छे तरीके से, तो आपने इसका भी बेनिफिट उठाया होगा। फिलहाल हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,450 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने आज यानी कि 1 जून को मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसलिए हमने इसे एज ए सपोर्ट के रूप में चुना है। अब इसे क्यों चुना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लेता है कि मार्केट जरूर उसकी रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट यहाँ पे डे लो का भी ब्रेकडाउन दे देगा, यहाँ पे डे लो की ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई नजर आएगी। उस स्थिति में जो हमें सपोर्ट नजर आएगा 16,350 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप नजर डालेंगे 27 को ही आप देखेंगे, 27 को एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आया था,
मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था। इवन आप 23 मई को भी देख सकते हैं, मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया पहले तो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाया, फिर से बाद में रेजिस्टेंस की ट्रैक करके मार्केट ने फिर से आपको गिरावट दिखा दी। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब हम चलते हैं सीधे नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 16,605 है, वहीं निचले वाली लाइन की बात करेंगे 16,491 है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,599 पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 16,664 पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 16,738 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 16,429 पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16,371 पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16,278 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक नजर ऑप्शन चैन पे भी डाल लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 2 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,600 पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको 72.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 16,700 पे जहाँ पे आपको 68.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,500 पे आप देखो 51.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 16,400 पे जहाँ पे आपको 40.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारा नया एपिसोड आ चुका है हमारे दूसरे चैनल पे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पे जाइए और ये जो हमारा दूसरा एपिसोड है ये हमने आज ही अपलोड किया है सुबह, जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इससे पहले हमने आपको समझाया था हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो कि आपने काफ़ी पसंद किया था, इसलिए हमने इसका नया इन्वर्टेड आपको ये देखने को मिल सकता है क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो हमारे दूसरे चैनल को अगर आपने विजिट नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, साथ के साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।